Hello everyone, today we are going to discuss the how to draw an isometric projections from the given orthographic projections. Okay, so question is likewise, figure shows front view and top view of an object, draw the isometric views. So in question, two views are given to you. Okay, so whenever there is a question in examination, so aapko do views diye jayenge, it may be a front view and top view or it may be a front view and side view. Accordingly, you have to construct the remaining third view and you have to go for the isometric. So here front view and top view is given to you. Okay, so front view ka dimensions diye, top view ka dimensions diye. The length of front view is 60, height of front view is 20 plus 20, 30, that is 50. In top view, length is again 60 and height is again 35 plus 15, that is equal to 50. Okay, so here again O and O dash is given to you. Okay, so aapko यस फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दिया है, आपको साइड व्यू इमेजिन करना होगा ना, उसके बाद यू हैव टू गो फॉर द आइसोमेट्रिक. सो व्हेन यू आर ड्रॉइंग द आइसोमेट्रिक, फर्स्ट स्टेप ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू इज फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइकवाइज. अगेन मार्क वन पॉइंट एट एनी फियर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट ओ पॉइंट. ओके, नाउ आइसोमेट्रिक में आपको यू हैव टू ड्रॉ द, यू हैव टू टेक द 30 डिग्री एंगल फ्रॉम बोथ साइड्स. ओके, 30 फ्रॉम दिस साइड and 30 from okay this side. Okay, likewise. Okay, now आपका first step सभी isometric में आपको पहला step करना होगा. Okay, now this inclination is 30 degree with respect to horizontal. Okay, now yes you have to, उसके बाद you have to draw the overall dimensions for the front view and top view and side view likewise. So whenever there is front view, okay, so front view में आपको length दिया है 60 and आपको height दिया है 50. Okay, so पूरा height of box is what 50. Okay, so front view में आपको 60 by 50 का box दिखेगा. In top view the height of box is 50 and length is 60, so side view is likewise. So we will start. So first I will mark 60 on this line because length of front view is 60. Okay, so all vertical lines should be parallel to each other and all inclined lines should be parallel to each other. Okay, so ये आपका पूरा length है 60 and height of this box is 50. Okay, so this height is 50. Now this height should be parallel with respect to the base. If your projections are not parallel, then your object will be a not गुड. ओके, नाउ ये आपका फ्रंट व्यू का बॉक्स हो गया. ओके, नाउ इन साइड व्यू. ओके, लेट सपोज ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट हियर, ही इज लुकिंग टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, सो फ्रंट व्यू यहाँ पे बैठ जाएगा आपको. ओके, नाउ यस अगेन यस, जो लेंथ रहेगा पूरा बॉक्स का इट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो इसको पैरेलल आपको यहाँ से लाइन लेना है, अगेन इस पॉइंट से आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है. ओके, नाउ लेंथ ऑफ दिस बॉक्स विल बी ए. ओके, नाउ इन टॉप व्यू, या अगर आपका टॉप व्यू का हाइट है, सो इट बिकम्स अ लेंथ फॉर द साइड व्यू. ओके, सो 35 प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 50. ओके, सो आई विल मार्क 50 फ्रॉम दिस साइड. ओके, नाउ अगेन वर्टिकल लाइन शुड बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके, सो अगेन दिस इस पॉइंट से आपको ओके यहाँ पे इससे लाइन निकालना पड़ेगा. ओके, नाउ आपको एक बॉक्स मिला. ओके, ये बॉक्स जो है, ओके सो दिस बॉक्स, यस आई विल शो द डायमेंशंस फॉर दिस बॉक्स. ओके, सो ये मेरा था. अगेन डायमेंशंस शुड बी, लाइन शुड बी पैरेलल विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन. ओके, आपका ये पूरा है 60. अगेन हाइट ऑफ दिस बॉक्स, ओके दिस बॉक्स विल बी अ 50. अगेन द लेंथ फ्रॉम दिस साइड इज अगेन 50. ओके, नाउ ये आपका ओवरऑल डायमेंशन हो गया बॉक्स. पहले आपको ये पूरा ओवरऑल डायमेंशन का बॉक्स क्रिएट करना होगा. ओके, नाउ ये बॉक्स आपका इनिशियली फेंट रहेगा. नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द ईच व्यू वन बाय वन. ओके, नाउ वी विल फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द फ्रंट व्यू. सो इस डायरेक्शन से आपको जो भी मिलेगा दैट इज आवर फ्रंट व्यू. ओके,
इस डायरेक्शन से जो भी मिलेगा आपको दैट इज कॉल्ड एज टॉप व्यू. नाउ इस डायरेक्शन से हम करेंगे दैट इज आवर एल एच एस वी. ओके सो दैट इज आवर साइड व्यू. ओके सो इनिशियली इफ यू आर सीइंग इन फ्रंट व्यू तो आपको एक 20 पे. नाउ वी विल ट्राई टू फिट द फ्रंट व्यू इन दिस डायरेक्शन. सो यहाँ पे वो है. सो ये हम पूरा ब्रैकेट यहाँ पे बैठेंगे. ओके सो इसका डायमेंशन टू यहाँ से कितना है 20 है. सो आई विल मार्क डायमेंशन फ्रॉम दिस लाइन एज 20. ओके लाइकवाइज अगेन यस इसके लिए आपको रोल एंड ड्राइव यूज करना पड़ेगा. ये आपका 20 दिस साइड इज अगेन यू हैव टू मार्क. ओके 20 सो आपका प्रोजेक्शन पैरेलल होना चाहिए. ओके अगेन इस साइड में आपको ये वाला 20 है. ओके अगेन सेम वे यहाँ से लाइकवाइज. ओके नाउ ये पहला बॉक्स है मेरा. जितना भी विजिबल है उतना हम डार्क करेंगे. ओके दिस लाइन. ओके दिस पूरा पार्ट ये इतना फ्रंट व्यू में क्या है विजिबल है. ओके ये बॉक्स ये वाला बॉक्स. नाउ ओके सो इफ यू सीन फ्रॉम टॉप यहाँ पे क्या है ये वाला सरफेस ऊपर टॉप का है. ये वाला टॉप का है और ये नीचे डीप है कितना 15 का है. सो इन टॉप यू द लेंथ ऑफ दिस स्लॉट इज 15. सो यहाँ से यस 15 आप यहाँ पे मार्क करोगे. ओके एंड द प्रोजेक्शन इज यस लाइकवाइज. ओके सो ये वाला यहाँ पे स्लॉट कितना है ये पूरा आपको मेजर करके तो आपको 60 आ जाएगा. ओके देन 20 40 एंड 60 लाइकवाइज. ओके नाउ यस यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन्स लाइकवाइज. ओके नाउ यस द पोर्शन यहाँ पे ए वाला पार्ट. ओके ए वाला पार्ट अगेन दिस पार्ट. ओके दिस पार्ट्स आर विजिबल इन टॉप व्यू. ओके सो आपको टॉप व्यू में से दो बॉक्स मिलेंगे इन टॉप व्यू. ये वाला बॉक्स जो नीचे हो दैट इज डीप है. ओके सो कितना है 15. ओके डीप कितना है 15 है. ओके सो वर्टिकल लाइन को पैरेलल लाइन निकालेंगे हम. ओके यहाँ से एंड यहाँ से. ओके सो ऑन दिस लाइन यू हैव टू मार्क द 15 mm डायमेंशन एंड इनक्लाइन लाइन को पैरेलल लाइंस निकालना है आपको लाइकवाइज. ओके सो ये स्लॉट हमारा यहाँ पे ऐसा होता है. अगेन दिस स्लॉट यू हैव टू टेक पोजीशन लाइकवाइज. अगेन ओके लाइकवाइज. ओके सो आपका ये स्लॉट ऐसा बनेगा. ओके ओनली यू हैव टू मेक द लाइंस पैरेलल टू ईच अदर. ओके नाउ दिस स्लॉट इज डीप लाइकवाइज. नाउ अगेन यू हैव टू ड्रॉ लाइन फ्रॉम दिस लाइन ऑन टू दिस लाइन. ओके एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस इंक्लाइन लाइन विच ज्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन. ओके अगेन यू हैव टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट यस अप टू दिस लाइन. अगेन यू हैव टू ज्वाइन दिस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन. ओके एंड यस इफ यू सीन फ्रॉम टॉप यस आपको ये वाला एज दिखेगा. ओके ओके सो टॉप व्यू में सो फ्रंट व्यू में आपको ये पूरा आउटलाइन मीन्स दिस आउटलाइन. ओके ये पूरा हाइट 30 मतलब ये वाला 30 हाइट उसके नीचे 20 ये वाला हाइट. ओके सो इफ यू आर सीइंग फ्रॉम दिस फ्रंट व्यू आपको ए स्क्वायर इस पर ए रेक्टेंगल इसके ऊपर ये वाला पूरा देखेगा. ओके नाउ यस जो रिमेनिंग पोर्शन है आपको ये वाला इन साइडों में आपको ये वाला डार्क करना है. ओके सो नाउ दिस कंप्लीट्स योर ओवरऑल ऑब्जेक्ट. ओके सो फ्रंट में हम चेक करें एक बार. फ्रंट में आपको जैसा दिया है वैसा दिख रहा है ये पूरा ए स्लॉट यहाँ पे ये एक दो तीन स्लॉट. ओके सेम पोजिशन इन टॉप व्यू आपको एक बॉक्स दो थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये स्लॉट नीचे डीप है दैट इज शोइंग इन फ्रंट व्यू. ओके एंड इफ यू आर सीइंग फ्रॉम साइड व्यू तो आपको ए एल सेक्शन एंड ए स्लॉट यहाँ पे इसका डॉटेड लाइन दिखेगा. ओके सो नाउ दिस कंप्लीट्स द फ्रंट व्यू. ओके सो यू हैव टू
draw in this way. Okay, so thank you for watching this video. Again, while giving the dimensions, only overall dimensions you can measure for, you can give for the isometric. There is no necessity to give each and every dimensions to the isometric. Only three dimensions are sufficient: length, width and height, that are sufficient to draw an isometric view. Okay, so thank you for watching this video. Look up at Cardinal.